लेकिन ईश्वर तो बहुत है, लेकिन ईश्वर सब में जो ईश्वरत्व है वो आप एक महेश्वर है, ब्रह्म वही महेश्वर होकर यहाँ आत्मा होकर देखते हैं, वहां ईश्वर होकर देखते हैं। ईश्वर 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 ईश्वर, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखो तो महेश्वर ब्रह्म हो, वही आप हमारे हो। जितना बड़े को पूजोगे, ग्राम देवता को, तो ग्राम देवता तो प्रेत है बेचारा, कितने दिन रहेगा, वो मरेगा, दूसरा आएगा, तो ग्राम देवता कब तक भला करेगा। स्थान देवता भी एक भूत होता है, वो कब तक भला करेगा। फलानी देवी वो भी अपने अपने समय के होते हैं, अब वो देवी तो चली गई होगी, तुम तो अभी पूजते आ गए। जैसे बड़े पीर को पूजते और बड़े पीर को पता ही नहीं मैं बड़ा पीर हूं। तो आपकी श्रद्धा अगर मनमानी होगी तो तामसी राजसी सात्विक फल देकर आपको वहीं घुमाती रहेगी, लेकिन श्रद्धा अगर वैदिक होगी, गीता के ज्ञान के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, तो श्रद्धा अनंत में होगी। देखेगा देवता कृष्ण शिव राम ये हो, लेकिन उतने में नहीं, मन को एकाग्र करने के लिए या नजर जमाने के लिए, बाकी आप तो सर्वत्र हैं। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत्र। तो शिव जी की पूजा में भी सर्वत्र, और विष्णु की पूजा में, गणेश जी की पूजा में लक्ष्य सर्वेश्वर पर है। भूत भूतनिया भैरव जिनकी भी पूजा करते हैं वो प्रकट होते हैं, वरदान भी देते हैं, वो मिलता भी है, लेकिन उनको जहां से सत्ता मिलती है वो महेश्वर से मिलती है। तो बड़ा भारी फायदा होगा मेरे साधकों को कि आप किसी को भी मानो, लेकिन उसके मूल को नजर में डाल। गुरु को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, शिव को मानो, किसी को मानो, लेकिन तू ही शिव बना बैठा, तू ही गुरु बना बैठा, और माँ में जो सद्गुण दिखता तेरा ही है, और गुरु में जो प्यार और ज्ञान बरसा रहे तेरा ही है, तू है। आपके लिए महाराज जो कभी मरे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, ओहो कभी बेवफाई नहीं करे, वो बेपर्दा हो जाएगा। ये ईश्वर की एड्रेस बता रहा हूं, ईश्वर तुम्हारे बीच जो पर्दे हैं ना समझी के, वो मैं हटा रहा हूं पर्दे आपके लिए। फिर जंगल में जाकर तपस्या करने वालों को जो मिलता है उनके गुरु की कृपा से, वो आपको यूं यहां मिल सकता है। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी रावण को जो नहीं मिला वो आप पा सकते हैं।